कबीर माया दासी संत की उभी दे आशीषे, बोगी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीशे। क्या कितनी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि माया दासी संत की नौकरानी है या माया। जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, आपको ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपके ऊपर अपने आप माया बरसेगी, नाम चाहोगे तो भी आपको मिलेगी। और कहते हैं विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीशे। अब कैसे अपुनात्माओं, ये दास देख रहा है कितनी महंगाई हो रही है और आप जी ने माया का सदुपयोग करना आ गया। आप कहाँ कहाँ से आते हो, किराया लगा कर आते हो, काम छोड़ कर आते हो, और आपके घर में जब पहले से ज़्यादा बरकत ना हो, आप अपना हिसाब लगा सकते हो। तो कहते हैं आप यहाँ परमात्मा के लिए आते हो, ये किराया जो आपका भाड़ा है ये भी भगवान के पुण्य अकाउंट में लिखा जाता है। और आपको परमात्मा इतनी माया दे देगा, आप याद रखना अपना हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इससे पीछा छुटा परमात्मा। इस दास के साथ जो बीती थी ये खूब अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हम लगे थे इतना ज्ञान था नहीं, भक्ति भी करते थे, आशा ये रहती थी कि और एक कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, दखड़ा हो जाए। और परमात्मा क्योंकि जैसे हमारी नियत थी, दान करने लगे, भक्ति करने लगे, सिमरन बढ़ाया, उतनी ही माया आप यानी ऐसी बरकत करने लगी परमात्मा कि हम सोच नहीं सकते। पुण्यात्मा वह विचार करके देखो आप कितना हेराफेरी करके कितने पैसे कमा सकते हो, कर्म बिगाड़ सकते हो, माया दिख नहीं हो सकती। परमात्मा देगा जब आपको एक नंबर से देगा। इस दास ने एक प्लाट ले लिया, नाम लेते ही एक साल के बाद एक प्लाट लिया 16,000 का, और उसके ऊपर थोड़े से एक दो कमरे की कंस्ट्रक्शन कर दी। वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40,000 रुपये का खर्चा हुआ होगा, और नाम लिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, अपने खूब भक्ति करी, ज्ञान समझ में आता चला गया, तो उस प्लाट के साथ से एक बाईपास निकल गया 2 वर्ष के बाद, और वो प्लाट फिर लाखों का बिक गया। उसका रेट इतना हो गया, कोई दो नंबर से नहीं हो। तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी जेई की नौकरी में मान ली हेरा फेरी करके कितने पैसे कमा लेते, कर्म बिगड़ते, और परमात्मा ने एक नंबर से इतने दे दिए कि 10 साल से भी हम कुकरे नहीं कमा सकते थे। तो क्या बताते हैं, माया दासी संत की उभी दे आशीष और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। उसके बाद फिर परमात्मा से हाथ जोड़ने पड़े मालिक, या तो घड़ी आन लगी और कहीं फिर दबा ले नीचे, हाथ जोड़े परमात्मा इतनी दे जितनी आवश्यकता हो, फिर धीरे धीरे से पीछा छुटवाने की चेष्टा की। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के पास कितनी माया थी, और परमात्मा ने जब उसको ज्ञान दिया तो उसने उस माया का त्याग कर दिया। परमेश्वर ने यह भी कहा कबीर जी ने कि जा बेटा अब तू कर ले अपनी भक्ति बेसक, क्योंकि तुझे ज्ञान हो गया, अब तू माया में लिप्त नहीं होगा। हाथ जोड़ लिए परमेश्वर, अब तो पीछा छुटाओ इस बीमारी तय। तो हम पैसा मांगने आते हैं और फिर ये माया इतनी दे देगा भगवान, अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा या दुश्मन है जीव की।